है तुमने उसे उस एहसान फरामोश किया? कैसे उसने मुझ पर उसको तरजीह दी है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तब्रेज़, सुंबल बुरा नहीं मनाएगी, तू इधर रही जा रहा है, रही जा रहा है। अब उसे बुरा नहीं लगी। दूर नहीं है, हम सड़कों पे आ जाएंगे। तब्रेज़ तो उसे देखे बगैर साह लेने का रवादार नहीं है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तब्रेज, ये ऐशो आराम की जिंदगी चुन ले, दूसरी ये कि सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाए। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कीते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तब्रेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया। लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तब्रेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है, इंतजार कर रहे है, तो दुर्योधन तब्रेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। और इस बार तब्रेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही। और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तब्रेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तब्रेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और खासकर सफिया बेगम जलकर तब्रेज से कहती है, क्या बात है तब्रेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तब्रेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है। और ये बातें तब्रेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तब्रेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तब्रेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और अब तो तब्रेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा, अच्छा गया। लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तब्रेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो दुर्योधन तब्रेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। और इस बार तब्रेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही। और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तब्रेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तब्रेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और खासकर सफिया बेगम जलकर तब्रेज से कहती है, क्या बात है तब्रेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तब्रेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है। और ये बातें तब्रेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तब्रेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तब्रेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है। और अब तो तब्रेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कीते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तब्रेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया। लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तब्रेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो दुर्योधन तब्रेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। और इस बार तब्रेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही।
और इसके सारे घर वाले यही समझ रही है कि तबरेज़ दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज़ तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज़ से कहती है, क्या बात है तबरेज़, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज़ कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज़ की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज़ से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज़ का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है। और अब तो तबरेज़ को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज़ को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज़ और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज़ के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज़ को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रही है कि तबरेज़ दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज़ तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज़ से कहती है, क्या बात है तबरेज़, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज़ कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज़ की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज़ से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज़ का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और अब तो तबरेज़ को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज़ को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज़ और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज़ के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज़ को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रही है कि तबरेज़ दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज़ तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज़ से कहती है, क्या बात है तबरेज़, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज़ कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज़ की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज़ से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज़ का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है। अब तो तबरेज़ को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज़ को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज़ और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज़ के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज़
को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज
इसको यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा कर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहती है कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा कर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहती है कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा कर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहती है कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज
को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया से मिटकर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज़ दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज़ तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है कि क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया से मिटकर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज़ दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज़ तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज़ से कहती है क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया से मिटकर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज़ दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज़ तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज़ से कहती है क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज
को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है। और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है, अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है, अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को
को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज
को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया सिमट कर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज
को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया से मिटकर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे है। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सुंबल अपने मासूम बच्चे के ऊपर चीखने चिल्लाने के बाद अपने दोस्ती कहते हैं कि देखा तुमने इस एहसान परामोश तबरेज को, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया और वो मुझे छोड़कर उसके साथ चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। इधर दूसरी तरफ तबरेज और दुर्योधन बस स्टैंड पर बैठे है इंतजार कर रहे है तो दुर्योधन तबरेज के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और इस बार तबरेज को यही लगता है कि इस बार तो सारी दुनिया से मिटकर आ चुकी है, अब इसको किसी भी चीज की कोई तलब नहीं रही और इसके सारे घर वाले यही समझ रहे हैं कि तबरेज दुर्योधन को छोड़ने के लिए अपने घर में वापस आया है और इसीलिए इन दोनों का खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन तबरेज तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्योधन के साथ इसका मोहब्बत और इसका ख्याल रखना इसके घर वालों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और खासकर सफिया बेगम जलकर तबरेज से कहती है, क्या बात है तबरेज, तुम यहाँ से नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, सुंबल को भी बुरा लग सकता है। तो तबरेज कहता है कि अब उसको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा और वो दुर्योधन का हाथ पकड़कर अपने साथ बैठाकर नाश्ता करवाता है और ये बातें तबरेज की माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो तबरेज से कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और ये दोनों के उठ जाने के बाद तबरेज का बाप अपनी बीवी के पास आकर कहता है कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है और वैसे भी ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे है, और अब तो तबरेज को सुंबल का कोई भी डर नहीं रहा। ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि